नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे दोस्तों वीडियो री एग्जाम की संभावित परीक्षा तिथि क्या हो सकती है, परीक्षा में किस तरह का पैटर्न में बदलाव देखने को इस बार मिल सकता है, और ट्रिपल सी को लेकर के बहुत सारे दोस्तों के मन में सवाल चल रहा है, और इस नेगेटिव मार्किंग के ऊपर हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं। तो संभावित परीक्षा तिथि के बारे में अगर हम दोस्तों बात करें तो यहाँ पे जो बहुत संभावित है, मतलब जिसके बहुत ज़्यादा प्रबल चांस हैं, 17 से 18 जून में एग्जाम होने की संभावना है। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से ऐसा नहीं आया है कि इस डेट में परीक्षा होगी, लेकिन जो गुप्त सूत्र होते हैं वो जानकारी ढूंढ के ले आते हैं, तो लगभग इस पे हम उम्मीद कर सकते हैं। इस डेट को आधार मान करके हम अपनी तैयारी में लग सकते हैं या तैयारी में और धार दे सकते हैं, क्योंकि समय अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। अप्रैल भी लगभग आपको पता है धीरे धीरे निकल ही रहा है, तो मोटा माटी हमारे पास 2 महीने का समय है, 2 महीने से भी कम महीनों का समय है ना, क्योंकि आज 21 अप्रैल हो गई है और 17 से अगर 18 जून में एग्जाम होता, 4 पालियों में ही एग्जाम होगा, जैसे कि आपका 2018 में ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। परीक्षा का पैटर्न किस तरीके से बदला हुआ देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। YouTube पे आप देखते होंगे वीडियो, तो आप सबको ये पता चल गया होगा। जैसे कि आप जानते हैं हिंदी बहुत नॉर्मल तरीके से पूछी गई थी, अगर आपने पुराना पेपर मतलब जो 2018 की परीक्षा है वो दी है, तो आपको पता होगा कि सर हिंदी तो चारों शिफ्ट में बहुत नॉर्मल पूछी गई थी, और GK नॉर्मल से थोड़ा मॉडरेट लेवल का पूछा गया था, मतलब ठीक ठाक लेवल के प्रश्न थे। कुछ प्रश्नों को देखें तो वो UPSC के टक्कर के भी क्वेश्चन थे, कुछ बंडे एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन जैसे होते हैं वैसे ही थे, तो मॉडरेट लेवल का GK था। GK भी बहुत आसान नहीं था लेकिन ठीक था। रीजनिंग की बात करें तो दोस्तों रीजनिंग ने हिला दिया था बैंक वालों तक को, ठीक है ना, इतने लंबे लंबे सवाल, इतने पजल टाइप के सवाल, मतलब पूरा पेपर अगर 50 नंबर के क्वेश्चन थे यहाँ पर रीजनिंग में। हालांकि ये बातें सब आपको पता है, लेकिन इन सबको रिकॉल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि परीक्षा के अब की बार पैटर्न में कुछ थोड़ा बहुत आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा, उस पर भी हम बात करेंगे। तो लगभग दोस्तों 30 क्वेश्चन में पजल फंसा हुआ था पूरा। पजल का मतलब होता है जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं जिसमें घुमावदार चीज़ें पूछी जाती हैं, और छोटा सा आंसर आपको एक निकाल के दे दिया जाता है। तो 30 क्वेश्चन पजल टाइप के थे, मतलब बैंक से भी हाई लेवल का रीजनिंग चारों शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है ना। कट ऑफ भी उसी हिसाब से गई थी क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी थी, है ना, 1/2 की नेगेटिव मार्किंग थी, और रीजनिंग दर की वजह से एक तो समय 2 घंटे का, 150 क्वेश्चन 2 घंटे में सॉल्व करना, 1/2 की नेगेटिव मार्किंग, फिर इतने लंबे चौड़े सवाल, तो बच्चे करते पे भी डरता है 1/2, क्योंकि दो गलत तो एक सही वाला सही गलत हो जाएगा आपका, है ना। तो 2 क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन को अपने आप खराब कर देता है। इस बार क्या हुआ दोस्तों, रीजनिंग बहुत हार्ड लेवल की नहीं पूछी जाएगी जैसा कि पिछली बार पूछी गई थी। अगर निगेटिव मार्किंग 1/2 रहती है तो भाई पेपर अब की बार बहुत आसान। देखिए पिछली बार जो एजेंसी थी उसी एजेंसी पे धब्बा लगा था कि इसने पेपर को लीक करवाया है, ठीक है ना, तो उस एजेंसी से तो इसको छीन लिया गया। इस बार जो एजेंसी है, जो UPSSSC के एग्जाम करा रही, जैसे इसने अभी हाल ही में एक कम्बाइंड टेक्निकल का एग्जाम कराया था, कम्बाइंड टेक्निकल 2016 की जो वैकेंसी थी, 2016 वाली जो वैकेंसी थी कम्बाइंड टेक्निकल, अभी आपको ध्यान होगा ये छोटी वैकेंसी थी, अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है तो मैं आपको बता दूंगा। इसमें हुआ क्या था तो दोस्तों, ये पेपर जो था इसमें एक पोर्शन को थोड़ा सा उठाया गया, तो मतलब जो ट्रेड वाला थी, यहाँ पे ट्रेड अलग अलग तरह की 21 ट्रेड थी, तो पेपर ऑलमोस्ट पेपर नॉर्मल था, है ना। इसी के साथ हम लेखपाल को देखें तो लेखपाल का पेपर भी नॉर्मल था, ग्राम विकास वाला जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा योजनाओं से ज़्यादा भरा हुआ था, मैथ के भी नॉर्मल क्वेश्चन थे, बहुत ठीक ठाक पेपर था। अभी ये आपका हाल ही में एग्जाम होने जा रहा है बंदरोगा वाला, है ना, तो ये सेम एजेंसी करा रही है इस चीज़ को, है ना, तो बंदरोगा का भी एग्जाम हम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके। तो इस बार पेपर रीजनिंग का, जो मतलब रीजनिंग से बहुत सारे बच्चे डर रहे हैं, बैंक लेवल की तैयारी करते हुए चल रहे हैं कि सर नहीं बहुत हाई लेवल की रीजनिंग पूछाई, तो इस बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा रीजनिंग की, क्योंकि रीजनिंग ही यहाँ पर खतरनाक है। अगर मैथ के कुछ सवाल डाल दिए, जैसे फॉरेस्ट का एग्जाम हुआ था, फॉरेस्ट में 60 नंबर की रीजनिंग पूछी गई थी, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था, वहाँ पर 15 से 16 सवाल मैथ के डाल दिए, लाभ हानि प्रतिशत और DI के सवाल उसमें घोसेड़ दिए गए थे। तो ऐसा ना हो कि इस बार भी लगभग 2-4 सवाल या 5-6 सवाल मैथ के डाल दिए जाएँ रीजनिंग के साथ, क्योंकि एजेंसी अब थोड़ा सा परिवर्तन कर रही है अपने पैटर्न में। जो पीछे का पैटर्न था कि 2 सब पोर्शन तो बहुत हल्के कर दिए, तीसरा पोर्शन आसमान पर ले आके रख दिया, मतलब एकदम हार्ड कर दिया, मॉडरेट भी नहीं करा, एकदम से हार्ड कर दिया, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत थी। GK का बात करें तो UPSSSC दोस्तों NCERT के बेस पे पूछने लगी है, है ना, तो NCERT को आप देख लीजिए, NCERT की एक कम्बाइंड बुक भी आती है जो अलग अलग लेखकों के द्वारा लिखी हुई है, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि कक्षा 6 से लेकर के कम 10 तक की NCERT इतिहास भूगोल
इकोनॉमिक्स और आपकी जो संविधान है उसको आप पढ़ सकते हैं। दो दो किताबें हैं, लगभग 6 से 7-8 किताबों में आपका सारा काम चल जाएगा। तो उस आधार पे आप तैयारी करते हुए चलिए। हिंदी को तो आप कहीं से पढ़ सकते हैं, ल्यूसेंट सफिशियंट है, हृदय बहारी, या फिर और भी कोई बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक आती हैं इसके लिए, हिंदी के लिए, जीके के लिए। तो जीके आप थोड़ा सा एनसीईआरटी से रिलेटेड ही पढ़िए दोस्तों, क्योंकि पेपर का पैटर्न अब इसी तरीके से बनाया जा रहा है कि एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन उसमें डाले जा रहे हैं, मतलब उसी पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया जा रहा है, ठीक है ना। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग पे तो हम इतनी देर से बात कर ही रहे हैं कि रीजनिंग इस बार बहुत हार्ड लेवल की नहीं आनी चाहिए, नॉर्मल लेवल की रीजनिंग। ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब की बार बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आने वाला है, और मतलब अब की बार क्या होगा, बैलेंस होगा पेपर। ऐसा नहीं होगा कि हिंदी 50 में 50 कर रहा है बच्चा, जीके 50 में से 30 कर रहा है, रीजनिंग 50 में से 20 ही हो रही है, ऐसा नहीं होगा। असमान लेवल का जो पेपर था वो नहीं होगा। हिंदी के भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन होने चाहिए, जीके के भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन होने चाहिए, और रीजनिंग के भी ठीक ठाक क्वेश्चन होने चाहिए। तो इस तरह का एक पेपर रहेगा, तो सबका फायदा यहाँ पर होने वाला है ना। कई बार ऐसा होता है कि बैंक वाले बच्चे बैठ जाते, बैंक में ठीक ठाक रीजनिंग पढ़ते हैं वो लोग, तो बैंक वालों को यहाँ तो फायदा हो गया। कोई बच्चा 20 करके आया, वो 40, 45, 50 करके आया, जीके उसका भी ठीक होता है, हिंदी भी थोड़ा पढ़ के चला जाएगा तो हिंदी भी लगभग मार देगा 40-45। तो ऐसे में उन बच्चों का फायदा हो जाता है जो बैंक वगैरह के हैं, कैट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, या फिर दूसरे स्टैंडर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आयोग को ध्यान ये रखना चाहिए कि भैया जनरल कम्पिटिटिव जो बच्चा है, जो यूपी पुलिस, यूपी दरोगा, लेखपाल जैसे एग्जाम की तैयारी करता है, वो ही बच्चा इसमें सेलेक्ट होगा ना। आप जानते हैं 1952 यहाँ पर वैकेंसी, तो वैकेंसी की संख्या भी यहाँ पर ठीक ठाक है। तो अपना हिसाब से दोस्तों तैयारी करते रहिए, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया। करंट अफेयर को देखते रहिए, करंट अफेयर की संख्या यहाँ पर ज़्यादा रहने वाली है। आप 2-3 टॉपिक पे बहुत विशेष कर ध्यान दीजिएगा जीके में, क्योंकि जीके से भी बहुत डर लगता है बहुत सारे दोस्तों को। आपको यूपी जीके दोस्तों अच्छे खासा पढ़ना है, क्योंकि यूपी जीके में आप मान के चलिए 10 क्वेश्चन बनेंगे। पिछला पेपर उठा के देखेंगे तो आराम से 8 से 10 क्वेश्चन बने, तो इस बार भी 8 से 10 क्वेश्चन हम मान के चल सकते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन, क्योंकि 50 क्वेश्चनों की संख्या है। करंट अफेयर सबसे ज़्यादा आएगा, फिर यूपी जीके के बाद करंट आपका लगभग मान के चलिए 5 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी आपके पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी के 3 से 4 क्वेश्चन हर सेट में पूछे गए थे पिछली बार जो पेपर तैयार हुआ था। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में खास करके मॉडर्न इंडिया से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं अब, है ना। मॉडर्न इंडिया का मतलब जो 1857 के बाद का हमारा भारत है, तो वहाँ से आगे को आप पढ़िए तो लगभग यहाँ से भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको 2-1 क्वेश्चन पर्यावरण से मिल जाएगा, 1-2 क्वेश्चन साइंस से मिल जाएगा, 2 से 3 क्वेश्चन कंप्यूटर से मिल जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन विविध से मिल जाएंगे, है ना। 2 से 3 क्वेश्चन की हम बात करें तो संविधान से मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा पेपर कुछ इस तरीके से रहने वाला है। लेकिन हाईलाइटेड जो चीज़ें हैं वो आपको ये देखनी है। यूपी जीके में 8 से 10 क्वेश्चन कन्फर्म आने हैं, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर कंप्यूटर को और स्पेशली रख देते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन कन्फर्म आएंगे। तो 3 से 4, 8 से 10, 5 से 8, और ये आपके जो टॉपिक है, तो ये कोर सब्जेक्ट रहेंगे आपके, है ना। और बाकी जो इधर से आता है संविधान जिसका ठीक है वो तो कर ही देगा इसको ठीक, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। विविध के क्वेश्चन या फिर जो इधर उधर से उठा के खोद के क्वेश्चन डाले जाते हैं, उनका पता नहीं होता है कि वो क्वेश्चन कहाँ से डाले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहिए। जरूरी बातों पर अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे दोस्त ऐसे हैं यहाँ पर जिन्होंने वीडियो का फॉर्म तो डाल दिया, लेकिन उनके पास CCC जो है वो ऑनलाइन फॉर्म जब से भरे गए थे उसके बाद की है ना। और CCC चाहिए कब की, जिस दिन इसके फॉर्म की लास्ट डेट थी 2018 में, उससे एक दिन पहले या उसी दिन का भी है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। अगर उससे एक दिन बाद का भी आपका CCC है तो आप फॉर्म तो डाल सकते हैं, पेपर भी निकाल सकते हैं, मेरिट में भी आ सकते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं ले सकते, है ना। तब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाहर फेंक दिया जाएगा निकाल के। दूसरी बात, समकक्ष को भी यहाँ पे वरीयता मिलेगी, है ना। समकक्ष मतलब CCC के समकक्ष अगर आपके पास कुछ है, जैसे BTEC, है ना। BTEC अगर आपने किया तो एक सेमेस्टर में आप कंप्यूटर पढ़ते हैं 6 महीने का, CCC तो 3 का ही होता है, और BTEC वाला तो 6 महीने कंप्यूटर पढ़ता है किसी भी ब्रांच में हो, ठीक है ना। BCA, MCA, है ना, BSc, IT, MSc, IT, तो ये लोग हैं तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। किसी के पास ओ लेवल है CCC नहीं तो वो बिल्कुल वैलिड हो जाएगा, है ना। किसी के पास ए लेवल है, बी लेवल है, जो CCC के द्वारा मतलब NLET के द्वारा कराए जाने वाले कोर्स हैं, तो समकक्ष वालों को भी पूरा मौका यहाँ पर मिलेगा। बात क्लियर हो जाती है। एक बात और चल रही है कि आयोग हो सकता है कि जब परीक्षा की तिथि घोषित करे तो यहाँ पर एक नोटिस और निकाल दे जिसमें ये कह दे कि भाई निगेटिव मार्किंग हम 1/2 ना लेकर के 1/4 करेंगे, क्योंकि यूपी CCC के द्वारा सिर्फ 2 एग्जाम थे जो 1/2 की निगेटिव मार्किंग पर आधारित थे, और कोई एग्जाम यूपी CCC ने 1/2 की निगेटिव मार्किंग पे नहीं लिया था। एक तो था विकास दल अधिकारी वाला आपका एग्जाम, है ना, जो 2018 में हुआ था। एक एग्जाम था आपका BDO वाला, जो भी 2018 में हुआ था, और इन दोनों ही एग्जाम में 1/2 की निगेटिव मार्किंग रखी
गई थी, है ना। आयोग इसमें फेरबदल कर सकता है सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव मार्किंग, बाकी एजेट रहेगा, मतलब जो भी है हिंदी जी के जो सिलेबस है वही रहने वाला है। यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिल सकती है, ये चेंजिंग हमें तभी देखने को मिलेगी जब आयोग करेगा और इसका ऑफिशियल नोटिस कोई निकालेगा, तो ये एक संभावना है ऐसा होने के प्रबल चांस है। आगे की बातें दोस्तों हम अगली वीडियो में करेंगे, है ना, कि वीडियो इसमें तीन तरह की पोस्ट हैं जैसा कि आप जानते हैं, तो पोस्टों का हम देखेंगे कि कौन सी पोस्ट ज़्यादा बेहतर है, कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा काम दिया जाता है या कौन सी पोस्ट सबसे अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर तीन तरह की पोस्ट हैं, यहाँ पर तीनों तरह की पोस्ट के बारे में और उनके प्रमोशन के बारे में, सैलरी के बारे में, एक्स्ट्रा वगैरह की जो लोग बात करते हैं कि इनकम विनकम क्या होती है, इन सब के बारे में हम एक अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलेंगे आप लोगों से एक अगली वीडियो में, आप देख रहे थे माई विग अपडेट चैनल को, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।